मध्य प्रदेश सरकार के वर्तमान कार्यकाल के 3 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में प्रदेश युवा मोर्चा के आह्वान पर युवा मोर्चा जिला अध्यक्ष राम सोनी के नेतृत्व में बागली मंडल स्तरीय बागली नगर में मंगलवार के दिन बाइक रैली का आयोजन किया गया। बाइक रैली में विधायक पहाड़ सिंह कन्नौजे, युवा मोर्चा जिला अध्यक्ष राम सैनी, मंडल अध्यक्ष अंकुर कानूनगो, कमल यादव एवं जयदीप सिंह उदावत की उपस्थिति में बाइक रैली का आयोजन किया गया, जिसमें मंडल से बड़ी संख्या में युवा अपनी बाइक लेकर सम्मिलित हुए। रैली नगर के प्रमुख मार्गों से होते हुए गांधी चौक पहुंची, जहां पर सभी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए पदाधिकारियों द्वारा सरकार की योजनाओं के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी दी गई। बागली से रवि पाटीदार की रिपोर्ट। जनता युवा मोर्चा जिला देवास समस्त 200 मंडल में बाइक रैली का आह्वान किया है। इस बाइक रैली के माध्यम से मध्य प्रदेश सरकार द्वारा चलाई जा रही जनता के बीच में जो जन कल्याणकारी योजना है उनको अवगत कराना है। संपूर्ण देवास जिले में बाइक रैली का आयोजन किया गया है। आगामी अप्रैल के माह में पूरे देवास जिले की एक जिला स्तरीय बाइक रैली का आयोजन नेमावर से देवास होने वाला है, जिसमें 10,000 युवा सहभागिता करेंगे। हाँ, बागली विधानसभा के में 3 साल सरकार के होने में लगभग कम से कम 100 करोड़ की योजना का सौगातें मिली है। आदरणीय शिवराज जी ने 2 साल कोरोना रहा, लेकिन उसके बावजूद भी हमको बहुत सारी सौगातें दी है, जिसमें दो सीएम राइस और बागली के आसपास के विकास की योजना लगातार चली रही है। और हमारे अभी 2 रोज के बाद ही हम लोग जटाशंकर रोड का भूमि पूजन करेंगे और वहाँ पे पुलिया का भी पूजन करेंगे, घाट का भी भूमि पूजन करेंगे। इस तरह से बहुत सारी सौगातें और काम निर्माणाधीन है। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।